नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस नीम के पेड़ का। आप देख सकते हैं हमारे सामने जो ये नीम का पेड़ है, इसके कुछ पत्ते हमने तोड़ा है। ये नीम का पेड़ इंसानों में जितना ही का फायदेमंद काम करता है, उतना ही गाय और भैंसों के लिए भी बहुत ही रामबाण इलाज है। तो कई तरह के बीमारियों को ये नष्ट करता है। तो पहला बीमारी का नाम हम बताते हैं, जैसे कोई खुजली हो गया है गायों का, तो इसको खिलाने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पशु को अगर ब्लड दूषित हो गया है, ब्लड दूषित होना मतलब जो है ब्लड में किसी भी प्रकार का जो है प्रॉब्लम होने पर सफाई करता है, दूध की गुणवत्ता में सुधार करता है। और जो इसका मुख्य जो काम है वो गाय भैंस के जो पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, उस कीड़े को खत्म करने में भी सहायक होता है। प्लस जो जितने भी जो है गाय भैंस को जू हो जाते हैं, उसको भी ये जड़ से खत्म करता है अगर महीनों दिन तक आप इसे खिलाते हैं। प्लस पशु को तरह तरह के रोग में जो इन्फेक्शंस है, जो पेट में घाव है, अंदरूनी चोट है, उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक है। तो आप पशुओं को इसको अवश्य खिलाएं, और जिससे कई रोग से ये बचाएगा। और आप इसका इस्तेमाल कई प्रकार के पशुओं के बीमारियों में कर सकते हैं, खास करके जो गाय भैंस का जो आपको दिक्कत होता है कि गाय जो है बार बार जो है गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है, कई रोग से ग्रसित हो जाती है, तो उन रोगों से आप इससे बचाव कर सकते हैं। ये बचाव करने के लिए आप जो है जो बैक्टीरिया जनित रोग है उससे ये बचाता है। जितने भी बैक्टीरिया गर्मी में आप पशुओं को अवश्य खिलाएं, बरसात में इसे खिलाएंगे तो जो बैक्टीरिया होता है पशुओं को वो होने नहीं देगा। और जितना भी वायरस और बैक्टीरिया जनित रोग से एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है इसके अंदर, जिससे गाय भैंस को सुरक्षित करता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पशुओं में और करके देखिए, रिजल्ट अच्छा मिलेगा नीम के पत्ते का। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस नीम के बारे में। ये पशुपालन में बहुत ही उपयोगी होता है। आज नीम के कुछ पेड़ है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। ये ऐसे इसका जो कड़वा इसका जो प्रकृतिक नेचुरली जो गुण है नीम का, कड़वा होता है लेकिन इंसानों और मनुष्यों में बहुत ही काम का चीज है, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। किसी भी जो गाय या भैंस है उसका ब्लड दूषित हो गया है, खून में जो है कोई प्रॉब्लम है, खुजली की बीमारी है, या जो है पेट में कीड़ा हो गया है, दूध की गुणवत्ता खराब है, दूध का टेस्ट सही नहीं आ रहा है,